देख लीजिए, 1, 5, 9। इन राशियों में देखिए कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। सर मैं बोलूं? नंबर राशि में है सैटर्न, ठीक है। 5 नंबर राशि में बोल दीजिए आप, मार्स राहु मार्स, सर, मार्स एंड मार्स राहु, राहु, और 9 नंबर में मून। राहु है ना, और जी 9 नंबर में है मून, जी ठीक है। उसके बाद 2, 6, 10 में, तो सिर्फ 6 में है 3 प्लैनेट्स, सन मरकरी एंड वीनस। सन मरकरी, वीनस ठीक है। उसके बाद 3, 7, 11 में बताइए। सर 11 में जुपिटर एंड केतु। ठीक है, केतु, जुपिटर। हाँ जी सर, 4, 8, 12 में कुछ नहीं है। 7, 11 में कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ उसके जी, बाद 4, 8, 12 में कुछ नहीं है ना। नहीं है सारे सर प्लैनेट्स यहीं कवर होंगे। जी। हम इसको डायरेक्शनल चार्ट बोलते हैं। अगर हम इसको ईस्ट मान लेंगे तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ। जी ईस्ट का मतलब 1, 5, 9, साउथ का मतलब 2, 6, 10 है ना, वेस्ट का मतलब 3, 7, 11, और नॉर्थ का मतलब 4, 8, 12, ठीक है। अब 1, 5, 9 में जो प्लैनेट्स थे, सैटर्न, मार्स, राहु, मून, यहाँ पे आप लिख लो सैटर्न, मार्स, राहु, मून। 2, 6, 10 में थे सन, मरकरी, वीनस, ठीक है। और जी 7, 3, 7, 11 में केतु और जुपिटर। जी इसको बोलते हैं डायरेक्शनल चार्ट। ये जो आपके पास अब एक बन के रेडी हुआ है, ये जो हमने एक चार्ट अभी बिल्ड किया है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल चार्ट। इसको आप मैन्युअली भी बना सकते हो, जैसे अभी मैंने बनाया है ना, और आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया, ठीक है। तो मैनुअल भी बनाना कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपको करना क्या है, जोन्स निर्धारित कर लेने हैं। अब कुछ लोग इसको नॉर्थ से लेते हैं, तो आप नॉर्थ से भी ले सकते हो। इसको हम रोटेट कर देंगे तो नॉर्थ से आ जाएगा। ये लो, कर दिया रोटेट, एक मिनट, मतलब अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो ये नॉर्थ से भी आ जाएगा, है ना। अगर हमने इसको यहां से यहां कर दिया, जैसे नॉर्थ सेक्शन से ही लेते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं भाई नॉर्थ से ले लो, तो इस पर्टिकुलर रो को अगर हम इधर स्टैंड बाई पे कर देंगे तो हम नॉर्थ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपास जब भी आप देखते हो तो वो नॉर्थ सेक्शन से ही स्टार्ट करता है। हमने थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए इसलिए ईस्ट से ही ले लिया, 1, 5, 9 से ही स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब कुछ लोग अगर इसको नॉर्थ से लेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्थ से भी ले सकते हो। मैं क्यों ईस्ट से ले रहा हूं, मैं इसलिए ईस्ट से ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझा सकूं, ठीक है। जिस प्लेनेट के बारे में आप देखना चाह रहे हो, जिस प्लेनेट का मतलब ये है कि आपके पास 4 डायरेक्शन ही हैं, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है और नॉर्थ है, ठीक है। तो जिस प्लेनेट को आप देखना चाहते हो, उस प्लेनेट को आप प्राइमरी प्लेनेट मान लो। अब जैसे इस चार्ट में हमने सैटर्न को प्राइमरी प्लेनेट मान लिया, किसी के करियर के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेन फोकसिंग प्लेनेट और रो, ठीक है। ये जो एक सिंगल रो है उसका मेन फोकसिंग हमने निकाल लिया, प्लेनेट कौन, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप सैटर्न की बात कर रहे हो तो सैटर्न के पास इन 3 प्लैनेट्स की एनर्जी भी है। डायरेक्शन चार्ट बनाने का मतलब क्या हुआ कि सैटर्न के पास जो एनर्जी है वो इन 3 प्लैनेट्स की है, ठीक है। मतलब इसका करियर के विद रेस्पेक्ट टू जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा एग्रेसिव होगा, है ना, थोड़ा सा या तो कंफ्यूजिंग होगा या फोकसिंग होगा, और कंफ्यूजिंग ज्यादा हो सकता है क्योंकि राहु मून दोनों प्लैनेट्स आ गए, और या
कंसेंट्रेशन वाइज हो सकता है, ये करियर के विद रिस्पेक्ट टू। अब इसमें एक तो इसके पीछे वाला प्लेनेट है जिस जो इसके 12th हाउस को रिप्रेजेंटेट करेगा, एक इसके आगे वाले प्लेनेट का डिपार्टमेंट है जो इसके सेकंड हाउस को रिप्रेजेंटेट करेगा। भाई पहले के आगे वाला जो हाउस है वो उसका नेक्स्ट हाउस बनेगा ना, है ना। तो पीछे वाले जो प्लैनेट्स आएंगे, ये जैसे जो ये पीछे वाले प्लैनेट्स आ जाएंगे, है ना, ये प्लैनेट इसके हिस्ट्री को रिप्रेजेंटेट करेंगे। किसको रिप्रेजेंटेट करेंगे? हिस्ट्री को। सॉरी सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, बार दो आएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, ये 12th हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 12th और ये हो जाएगा सेकंड। ये प्लेनेट इधर से होके आया है और इधर को जा रहा है, फिर इधर को जाएगा, फिर इधर को आएगा। यही ट्रांजिट का फ्लो चलता रहता ना, क्लॉकवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो पास्ट का प्लेनेट होता है, जो किसी प्लेनेट की जो स्ट्रिंग बन के आई है, उसके जो पीछे का हाउस है 12th हाउस, ये इसकी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंटेट करता है। हम कहते हैं ना भाई आपके पूर्व में स्ट्रगल क्या रहा, ये आपके 4, 8, 12, अगर कोई प्लेनेट आपका 159 में है, आपके चार्ट में कोई प्लेनेट 159 में है, तो उसका पास्ट कौन है? 4, 8, 12, ये इसका पास्ट है। क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे वाला घर हो गया। डायरेक्शनली अगर आप देखोगे तो पीछे वाला घर हो गया। अब इसके पास संभावनाएं कहाँ है? संभावनाएं कहाँ है, जिसको आप प्रॉफिटेबिलिटी भी बोल सकते हो, संभावनाएं भी बोल सकते हो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते, है ना। और दूसरी बात जो इसको बोली जाती है, इसको बोलते हैं नेक्स्ट हाउस को, हम बोलते हैं भाई आपको कोई चीज आगे दिख रही है कि भाई मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये चीज चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करते हो? पहले प्लान बनाते हो, फिर उसके लिए एक्शन लेते हो। तो किसी भी प्लेनेट जो भी राशि में बैठा है, जिस भी डायरेक्शन को लेके चल रहा है, उसके आगे वाला जो डायरेक्शन होगा वो उसके प्लान एंड एक्शंस को रिप्रेजेंटेट करेगा कि इस इन प्लैनेट्स के विद रिस्पेक्ट टू इस व्यक्ति की पास्ट जर्नी क्या रही है, और अब उसको इस चीजों को लेकर के अगर कुछ भविष्य बनाना है तो अब उसके प्लान्स एंड एक्शंस क्या होंगे, किस हिसाब से उसको एक्शन लेना है और किस हिसाब से उसको प्लानिंग करनी है। अब आप कहोगे सर पीछे वाला जो प्लेनेट है, मतलब पीछे वाला जो हाउस है या पीछे वाला जो डायरेक्शन है, वो पास्ट को बता रही है कि भाई उसकी प्रीवियस लाइफ क्या है। मतलब प्रीवियस लाइफ का मतलब, अगर आज अंजू जी यहाँ बैठी हैं तो पास्ट तो कुछ रहा होगा ना, या तो बहुत अच्छा रहा होगा या तो बहुत खराब रहा होगा। तो उसको व्यक्ति करता ना, भाई हम यहाँ पहुंचे हैं तो इन इन चीजों को फेस करते हुए पहुंचे, अब मेरे को ये प्राप्त करना है। अभी आपसे कोई कहे भाई आप तो बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, तो व्यक्ति का आंसर क्या होता है? भैया जो पहले किया वो अभी मिल रहा है, अब अगर मेरे को फ्यूचर में कुछ चाहिए तो मेरे को, मेरा गोल ये है, मेरा एम्बिशंस ये, मेरा मिशन ये है, तो उसके लिए क्या करते हो? प्लान एंड एक्शंस लेते हो आप। तो आपका किसी चीज के विद रिस्पेक्ट टू प्लान क्या होगा, एक्शन क्या होगा, ये उसका नेक्स्ट वाला जो डायरेक्शन जोन है वो डिसाइड करता है। सामने वाला क्या करता है? भाई सेवंथ हाउस में जो, मतलब उससे जस्ट सेवंथ में जो प्लैनेट्स पड़े हैं या उससे आगे जो प्लैनेट्स पड़े हैं, उनका क्या रोल है? ये मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब क्या है? आपने, आपका जो पास्ट रहा उससे आपने लर्न किया, ठीक है, या पास्ट के हिसाब से आपको कोई रिजल्ट मिला। आपको फ्यूचर जो बनाना है वो उसका नेक्स्ट एनर्जी जोन डिसाइड करेगा कि आपके एक्शन और प्लान्स क्या होंगे। हर व्यक्ति अपने करियर को लेके या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के प्लान तो बनाता ही है, एक्शंस तो करता ही है। आपका अगर करियर का एस्पेक्ट से ही बोलूं, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने करियर को चूज करने के लिए, करियर को बिल्ड करने के लिए प्लान ना बनाए हो, उनको फॉलो ना किया हो। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं उन प्लान और एक्शंस के बेस पर, कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? जो आपके किसी भी पर्टिकुलर
राशि में जो पड़ा हुआ प्लैनेट है, राशि का जो एक पूरा का पूरी फैमिली, अब ये क्या निकला है 159 क्या निकला, ये राशि की पूरी फैमिली निकल आई है, पूरा परिवार निकल आया 159, ये एक पूरा परिवार है। तो मतलब क्या है, व्यक्ति परिवार की तो सुनने वाला है ना पूरी तरह से, परिवार का एक अपना रोल है, कुछ भी करेगा परिवार के साथ ही करेगा, अगर खुश होगा तो परिवार भी खुश होगा, दुख होगा तो परिवार भी दुखी होगा, कोई दूसरा दुखी नहीं होगा ना उसके लिए। सेकंड वाला जो प्लैनेट है, मतलब उससे नेक्स्ट जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्लान और एक्शंस को बताएंगे कि उस व्यक्ति का उन चीजों को लेकर के प्लान और एक्शन क्या होगा। और जो उस पर्टिकुलर प्लैनेट से सेवंथ वाले जो प्लैनेट्स होंगे वो मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब क्या है, जो आपके प्लान एंड एक्शंस हैं उससे रिजल्ट नहीं आना, रिजल्ट किसने देना है, सेवंथ में पड़े हुए प्लैनेट्स ने, वो मॉडिफिकेशन करेगा। तो अगर वहां पे पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन करेंगे। पास्ट में अगर अच्छे प्लैनेट्स थे जिनको शुभ ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, इवन थोड़ा बहुत मून, अगर पास्ट में मतलब किसी प्लैनेट के पीछे वाले जो जोन आया, एनर्जी जोन आया, वहां पे अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स थे, शुभ प्लैनेट्स थे, इसका मतलब इस जो जिस पोजीशन पर ये व्यक्ति बैठा है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पोजीशन पर ये बैठा है, प्रीवियस लाइफ में कुछ भी टफ नहीं था, मतलब बहुत आसानी से उसको ये पोजीशन मिल गई। नेक्स्ट उसको क्या पोजीशन चाहिए, उसके प्लान और एक्शंस आगे वाली एनर्जी जोन पर निर्भर करेंगे। और अगर सेवन में पड़े हुए प्लैनेट डेंजर सिचुएशन में हुए, मतलब पापी ग्रह हो गए, मंगल हो गया, सूर्य हो गए, राहु केतु हो गए, शनि हो गए, ये क्या करते हैं, ये मॉडिफिकेशन पूरा तरह से तबाह कर देते हैं। क्या तबाह कर देते हैं, व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क के बाद भी उतने रिजल्ट्स नहीं पाता जितना वो डिजर्व करता है। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी कर ले, ये जो डायरेक्शन चार्ट है ना, अब आप कहते हो सर मैं तो रिलेशनशिप को लेके जैसा आपने कॉम्बिनेशन बताया उसके हिसाब से ही चल रहा हूँ, लेकिन मेरे एफर्ट्स जो हैं, मेरी रिलेशनशिप्स को लेकर के, मेरे प्लान और एक्शंस जो हैं, मैं जो कुछ सोचता हूँ, जो करना चाहता हूँ, जो बेहतर करने का सोचता हूँ, जैसा मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो स्पाउस है उसका मुंह बना ही रहता, मैं उसको संतुष्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर जो एनर्जी जोन वाला प्लैनेट है उसके सेवंथ की जो एनर्जी जोन है वो पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ नहीं है, तो वो अपने आप ही नेगेटिव होता चला जाएगा उस पर्टिकुलर चीजों के विद रिस्पेक्ट। अब अगर इसी प्लैनेट की बात करी जाए, तो अगर आप सैटर्न को लोगे थोड़ी देर के लिए, शनि को अगर आप टच करते हो करियर के विद रिस्पेक्ट को, तो पास्ट में कोई भी ऐसे प्लैनेट्स नहीं है कि जो इस व्यक्ति की प्रीवियस लाइफ को, प्रीवियस जर्नी को बहुत टफ बता रहे। तो अब अंजू जी आप बताओ, करियर के पॉइंट से क्या प्रीवियस की जर्नी बहुत टफ रही है? नहीं सर, बिल्कुल बहुत इजीली मिला है, बहुत इजीली एक पोजीशन पर पहुंच गए, बहुत इजीली सब कुछ, फॉरेन वॉरेन भी घूम घूम के आए हैं, बहुत घूमते रहे। क्यों गए? क्योंकि राहु मून साथ बैठा है, मार्स है, तो मार्स की एनर्जी कहीं ना कहीं इनके करियर में होगी। क्या प्रोफेशन है इनका या रहा है? सर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। मार्स आ गया, मशीन, मतलब बहुत बेसिक लेवल पर मैं जा रहा हूँ अभी, मैं बहुत बेसिक लेवल पर जा रहा हूँ। राहु मून ये बता रहा है कि भाई इसकी लाइफ में फॉरेन या ट्रेवलिंग कंटिन्यू रही है ना, उसके बाद मार्स आके यहाँ पे मशीनरी को बता रहा है, मतलब करियर का सैटर्न का जो संबंध आ रहा है, मंगल राहु मून लेकर के इन्हीं सब चीजों को लेके चल रहा है, लेके चल रहा है। और पास्ट लाइफ जो इसकी दिख रही, मतलब इसके प्रीवियस जो एनर्जी जोन आपको दिख रहा है, जिसको हम 4, 8, 12 कहेंगे, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई प्लैनेट नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत इजीली जिस पोजीशन पर उनको पहुंचना था बहुत इजीली पहुंच गए। हाँ जी, अब क्या हुआ सर, बहुत, हाँ बोलिए बोलिए अंजू जी, सब कुछ बहुत इजीली मिलता है, बहुत इजीली मिल गया ना, सिल्वर स्पून इन माउथ वाली बात है, एकदम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं था ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर यहाँ पे मरकरी, वीनस, जुपिटर जैसा प्लैनेट होता तो करियर के पॉइंट से वो उसको सपोर्ट करता और चला जाता, जुपिटर होता तो कोई ना कोई काउंसलिंग करता चला जाता आपकी करियर के विद रिस्पेक्ट, वीनस होता तो कोई आपसे बोल देता कि भाई पैसे की तो चिंता कर ही मत,
या मेरे को बहुत बेहतर करना है, ऐसा एनर्जी से रहता है यार हमें अपनी तरफ से अच्छा करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए। और अगर मरकरी होता तो कहीं ना कहीं माइंड सेट, आपकी बुद्धि, आपका चातुर्य, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, उसके उस वो चीज आपकी आपके करियर में बहुत बड़ा पीक पॉइंट ले आती। यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। अब अगर यही आप बोलो टफ प्लैनेट होते, मार्स होता, राहु होता, शनि होता, मार्स होता, ये क्या करता, ये आपकी पास्ट जर्नी को बहुत स्ट्रगलिंग दिखाता। क्या स्ट्रगलिंग दिखाता, किस तरह से स्ट्रगलिंग दिखाता? अगर शनि होता तो भाई जो चीज आपको 2 दिन में मिलनी चाहिए वो चीज आपको 10 दिन में मिली होगी। राहु होता, जितना आप टॉप पे पहुंचना चाहते होंगे उसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया होगा, और जितना हार्डवर्क किया होगा उतने परिणाम में रिजल्ट्स भी नहीं आए होंगे। ऐसे प्रेडिक्शन देनी है, मेरी बात समझना, ये हर जगह इंटरलिंक करेगा। अब आप मेरे को एक एक बताओ तो मैं नहीं, मतलब क्या है, अगर शुभ ग्रह होंगे किसी की पास्ट लाइफ में, इसका मतलब क्या, जो चीज उसको मिला है वो बहुत इजीली मिल गया। और अगर पापी ग्रह बैठे हैं प्रीवियस एनर्जी जोन में, इसका मतलब क्या, जो चीज आज इसके पास है वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके मिली है, इसको बहुत ज्यादा मेहनत करके मिली है, बहुत ज्यादा मतलब पेशेंस करके मिली है, और जितना ये डिजर्विंग है उतना मिली भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना आके कि भाई मेहनत मैं बहुत करता हूं लेकिन मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। कारण क्या है, जहां भी आपका शनि बैठा है, जिस भी राशि में आपका शनि बैठा है, तो उसके जो प्रीवियस एनर्जी जोन है वहां पे पापी ग्रह बैठे होंगे। अब आप में से बहुत लोग मेरे से कुछ क्लासेस पहले पूछ रहे थे कि सर ये बताइए मिलियंस में कौन कमाएगा, बिलियंस में कौन कमाएगा, बहुत पैसा कौन कमाएगा, बहुत कम पैसा कौन कमाएगा। ये ऐसे ही पता चलेगा कि जिसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो अभी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, आगे कमाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। जिसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट है लेकिन आगे वाला जो हाउस है, मतलब ये वाला जो सपोर्टिंग जो हाउस है आपका, वो आपके सपोर्ट में है, इसका मतलब अब वो जैसे प्लान बनाएगा, अब वो जैसे एक्शंस लेगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू उसकी लाइफ उस एंगल से आगे जाएगी। मॉडिफिकेशन मतलब सेवंथ हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट आपके रिजल्ट्स में मॉडिफिकेशन कर देता है। मतलब क्या है, जो आपने प्रीवियस लाइफ को जिया, जो आपने एक्शंस और प्लान बनाए उनके विद रिस्पेक्ट टू आपकी लाइफ नहीं जाने वाली है। मतलब मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, आप पहले क्या थे, आपने आगे क्या बनने का प्लान किया है, ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपके हाथ में। हम भगवान क्या बोलते हैं श्री कृष्ण गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरे हाथ में कर्म करना लिखा है, फल तेरे हाथ में नहीं है। फल कौन देता है, सेवंथ हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट, मतलब सेवंथ एनर्जी जोन में पड़ा हुआ प्लेनेट जो है वो आपको रिजल्ट देने वाला है। अगर ये पॉजिटिव होकर के बैठा है ना, तो आपका नेक्स्ट हाउस चाहे जितना टफ वाले प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, ये वाला हाउस प्रीवियस हाउस चाहे भले जितने टफ वाले प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, रिजल्ट हमेशा फेवरेबल ही आएगा, आपके विद रिस्पेक्ट टू ही आएगा, आपके लिए पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये मॉडिफिकेशन करने वाला प्लैनेट पापी ग्रह हो गया तो ये रिजल्ट को पूरी तरह से बदल देगा, पूरी तरह से वर्स्ट सिचुएशन में ले आके खड़ा कर दे। और आपके किसी भी प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू जो नेक्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लेनेट हैं, वो आपके प्लान और एक्शंस को बताएंगे। अब जैसे इस प्लेनेट में आप देखोगे सन, मरकरी, वीनस, आपका जो प्लान होने वाला है इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू होने वाला है कि हम कोई टॉप कंपनी बन जाए, या किसी टॉप कंपनी से, बहुत रेपुटेटेड कंपनी से जुड़ जाए, हम अपनी एजुकेशन को बहुत बढ़ा लें, है ना, हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे, या हम खुद को बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा फाइन ट्यून कर लें ताकि हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। तो इन्हीं प्लैनेट्स के विद रिस्पेक्ट टू आपके प्लान्स और एक्शंस होंगे। अब बताओ अंजू जी, जो भी है 200% वर्ड टू वर्ड आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। इस बंदे का फोकस सिर्फ यही है, अपनी कंपनी को मुझे जितना है उससे 3 से 4 गुना 10 गुना इसकी टर्नओवर मुझे करनी है, उसके लिए चाहे जितना नॉलेज गेन करना पड़े, है ना, हार्डवर्क, चाहे जहां से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना पड़े या जितनी मेहनत करनी पड़े मुझे, बिल्कुल सर, ब्रांडेड कंपनी के साथ काम, बिल्कुल 200% एक और वीनस आ रहा है इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचेंगे, मरकरी आ रहा है इसलिए कुछ बिजनेस करने का भी सोचेंगे, और सन आ रहा है इसलिए सोल टू सोल भी काम करेंगे, या
इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि सन क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप भी है, मर्करी के साथ बैठा है, तो या तो आपके एजुकेशन सन के विद रिस्पेक्ट होगा, अगर बिजनेस की बात हो रही तो इंटरप्रेन्योरशिप के विद रिस्पेक्ट होगा। अगर मैं इसी चार्ट को थोड़ी देर के लिए मर्करी के विद रिस्पेक्ट रोटेट कर दूं, आपको केवल समझाने के लिए, इसको खिचड़ी बहुत पक गई है ना, थोड़ा खिचड़ी समझ दे दूं, एक मिनट। सर आई एम सो सरप्राइज्ड, एक एक शब्द आपका बिल्कुल सही जा रहा है, एक एक शब्द। स्पेशलिटी तो बीएनएन की है, हमारी कुछ नहीं है, हम लोग ज्योतिषी क्या करते हैं, जोड़ते हैं बस चीजों को, है ना। अब हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर दिया आपको सबको समझाने के लिए, है ना। तो हमने मेन जो प्लेनेट है अभी सैटर्न को लिया था, ठीक है ना? अब हमारा मेन फोकसिंग प्लेनेट मतलब एम एफ पी, ठीक है, उसको हमने ले लिया मर्करी। अगर इस बंदे को बिजनेस करना है थोड़ी देर के लिए, तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, सैटर्न मार्स राहु मून, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, बिजनेस को स्टार्ट करते समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा या हुआ हो, ये एजुकेशन के लेवल पर भी है और ये पढ़ने में भी संघर्ष रहा होगा, अंजू जी मेहनत रही होगी या घर से दूर जाके इन्होंने एजुकेशन गेन करी होगी, मतलब रफ टफ कुछ ना कुछ रहा होगा, ऐसा है अंजू जी कुछ? सर नहीं, एजुकेशन तो बहुत इजीली मिल गया था, मतलब एडमिशन ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आई थी, गवर्नमेंट का कॉलेज, ये कह सकते हैं लेबर अच्छा रहा होगा, मेहनत अच्छी रही होगी, या राहु मून यहाँ पॉजिटिव यूटिलाइज हो गया, क्या पॉजिटिव यूटिलाइज हो गया, कि विदेश जाके पढ़ लिया या बाहर जाके पढ़ लिया, बर्थ प्लेस से दूर जाके पढ़ लिया, है ना। सर नहीं, दिल्ली में था, दिल्ली में, मतलब अपने होम टाउन में ही पढ़े, मतलब अपने होम टाउन में ही पढ़े। तो अगर मर्करी के विद रिस्पेक्ट ये चीजें नहीं रोटेट हुई तो बिजनेस के विद रिस्पेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि मर्करी बिजनेस भी लेके चलता है। अब ये बताइए, बिजनेस स्टार्ट करते समय इनको बहुत स्ट्रगल आया कि नहीं है? सर इनको फादर के बिजनेस में ही इन्होंने अपना वो किया है, तो इसीलिए बहुत इजीली मिल गया पोजीशन। फादर के बिजनेस को किया क्योंकि सन साथ में बैठता है और राहु जो है वो कहीं ना कहीं पैतृक चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है, फैमिलियर चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है, इसलिए उस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा टफनेस नहीं आई। बट फिर भी ओवर मल्टीनेशनल के साथ है, ये कर सकते हैं राहु कि मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं। हाँ, वो भी कह सकते हैं, बिजनेस जो है उसके पीछे क्या पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, राहु मून रहा है, उसके पीछे करियर भी रहा है, कि बिजनेस करने से पहले उन्होंने अपने करियर को इस लेवल पे पहुंचा दिया कि उनके लिए बिजनेस इजी हो गया, या वो जो बिजनेस करना चाहते हैं वो अपने करियर के पॉइंट पे करना चाहते हैं, जो उन्होंने काम किया उसको अब वो खुद करना चाहते हैं, ये कह सकते हैं यहाँ, है ना। तो जो उन्होंने काम किया, पास्ट क्या रहा, पास्ट में नौकरी रही, पहले नौकरी करी, नौकरी भी अच्छे लेवल पे करी, टेक्निकल नौकरी करी, विदेश में जाके नौकरी करी, अब उस नौकरी के बेसिस पर ये अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए एक बात मैं बोलता हूँ, ये व्यक्ति आपके पास डायरेक्ट आए और बोले मेरे को बिजनेस करना है, तो बिजनेस में फेल हो जाएगा। पहले आपने उसको क्या बोलना है कि भाई पहले नौकरी कर, पहले कहीं जाके सीख, उसके बाद बिजनेस करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे लिए। इनके लिए बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि प्रीवियस में इन्होंने नॉलेज गेन कर लिया जॉब करके। सैटर्न हो गई आपका प्रोफेशन, मार्स हो गया टेक्निकल, राहु मून हो गया फॉरेन कनेक्टिविटी या ट्रेवलिंग इस तरह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रोफेशन इस लेवल पे कर लिया और जब उनको लगा कि भाई हमने एक अच्छे लेवल तक काम कर लिया है, अब हमें अपने बिजनेस मॉडल पर इसको काम में को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो हमको मिले, तो फिर उस केस में ये चार्ट खराब रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति डायरेक्ट आए कि मेरे को बिजनेस करना है, आप बताओ, तो इनके लिए बहुत बड़ा समस्या आने वाली है। क्यों समस्या आने वाली, क्योंकि पीछे सैटर्न, राहु, मून और मार्स जैसे प्लैनेट इनको बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस पास्ट का कुछ है नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि वो सारी चीजों से होके आए हैं, इसलिए इनको बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंजू जी, क्लियर हो रही है बात? सर इनकी एजुकेशन भी वही लेकर आए हैं जो काम करना था, ठीक है। उसके बाद मर्करी के साथ वीनस भी है, मर्करी के साथ सन भी है, तो कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने का मन करेगा कि हम कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, ठीक
कि जो नेक्स्ट लेवल मेरे को लेके जाए, ऐसा कुछ बिजनेस ऐसे कुछ सोचा होगा? हाँ जी सर, फोकस यही है कि अच्छा पीछे भी मार्स राहु आ रहा है, कुछ ना कुछ टेक्निकल या सॉफ्टवेयर रिलेटेड या कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ रहा होगा, है ना, कि जिसके सर, हाँ जी, डिग्री जो थी वो टेक्नोलॉजी थी, फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही थी, फैशन और टेक्नोलॉजी की डिग्री थी। हाँ, तो फैशन टेक्नोलॉजी की डिग्री थी क्योंकि मर्करी वीनस और सन का कॉम्बिनेशन। हाँ जी, और गवर्नमेंट कॉलेज हो गया फैशन, वीनस फैशन हो गया, और पीछे सन भी लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंटेट करता है, तो उसके विद रिस्पेक्ट जो उसकी लैंग्वेज होगी, टेक्नोलॉजी होगी, उसकी अच्छी समझ होगी, ठीक है। तो प्रीवियस में क्या चीजें हो गई, सैटर्न मार्स राहु मून, तो टेक्निकल नॉलेज भी रही, इसलिए प्रॉब्लम नहीं रही। प्रीवियस का जो बैकग्राउंड रहा वो टेक्निकल नॉलेज रही, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। टेक्निकल नॉलेज ना होती तो बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि ब्रेन आपका उन चीजों को कंज्यूम कर ही नहीं सकता। पास्ट लाइफ की बात हो रही है अभी, आपका एजुकेशन जब आपकी स्टार्ट हुई है, उसके पहले का आपका मतलब वो क्या है, मेंटेलिटी क्या है, आपका हार्डवर्क क्या रहा एजुकेशन को लेकर, मतलब इसको ये कह सकते हैं भाई आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है वो बहुत मेहनत करके ग्रहण करी है, ठीक है, आप लेबरस रहे हो अपनी एजुकेशन को लेकर। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हाउस है वो आपकी शिक्षा और चीजों को लेकर के, या बिजनेस जो है आपका वो आपके एक्शंस और प्लान्स को रिप्रेजेंटेट करेगा। यहाँ पे क्या है, जुपिटर, और यहाँ पे क्या है, केतु, है ना। तो अगर आपको बिजनेस को बहुत अच्छे से प्लान करना है, बहुत आगे लेके जाना है, तो मार्केट की सबसे पहले आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ समझ होनी चाहिए, जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। मतलब आप जो चीज करने जा रहे हो, परिणामतः जो करने का सोच रहे हो, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपने करानी है कि जो काम हम करने जा रहे हैं परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, या हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमें अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। और यहाँ पे जुपिटर आ रहा है, कंसल्टेंसी, गाइडेंस, किसी का सपोर्ट, है ना, किसी को समझ के रोल मॉडल बना के फिर हमें लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है, किसी के साथ कंसल्टेंसी लेते हुए बढ़ना है, समझ के लेना है। अपने दिमाग से अगर ये व्यक्ति चलेगा, एक्शंस और प्लान्स लेगा, तो डेफिनेटली एक बार फेल जरूर होगा लाइफ। उसके बाद क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव एक्शंस और प्लान हो गए तो बेस्ट हो गया, नहीं तो मरकरी के आगे केतु डिप्रेशन में भी ले जाने की सिचुएशन बनाएगा, आइसोलेशन में भी ले जाने की सिचुएशन बनाएगा, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका मरकरी इज ब्रेन और केतु इज स्टक, तो ये पूरी के पूरा जो डिप्रेशन वाला पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है, कि व्यक्ति कुछ अपने लाइफ में ना सोच समझता है ना समझ सकता है, मतलब ब्लैंक सिचुएशन में जो चला जाता है, या एंजाइटी वाली सिचुएशन में जो चला जाता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव एक्शंस प्लान हो गए तब तो बिजनेस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, अगर पॉजिटिव एक्शंस और प्लान नहीं हुए, कंसल्टेंसी के साथ नहीं हुए, गाइडेंस के साथ नहीं हुए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ नहीं हुए, या केतु लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी बोलता है ना, बड़े लेवल पे बोलता है काम करने को, अगर वो सब चीजें सही से नहीं हुई, बेटर नहीं हुई, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे अंजू जी? सर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, वो डिप्रेशन क्योंकि वो नहीं हो रहा, अभी ट्रांजिट कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी बिजनेस में डाउन है थोड़ा, जहां ये भी कर रहे हैं वहां पे ये भी जॉब की तरह एम्प्लॉई है फादर के बिजनेस में, तो अभी थोड़ा कम है, तो वो ये स्टेज आई हुई है इस टाइम पे कि नेक्स्ट कैसे करना है, कहाँ करूं, तो वो डिप्रेशन जो आप कह रहे हैं वो होता है जब जब करना क्या, कुछ भी करने से पहले इनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कुछ भी करने से पहले मार्केट एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि केतु द साइंटिस्ट एनालिसिस्ट है वो पूरी तरह से, मतलब आज की डेट में एक शब्द आता है डेटा एनालिसिस्ट, एक शब्द है, मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आप जो काम करना चाहते हो, उसका एक बार मार्केट एनालिसिस कराइए कि भाई जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जो चीजें आप लेके आ रहे हो, उसका रिजल्ट आगे क्या रहे, समझ रहे हैं आप? तो प्लान एंड एक्शन बिजनेस के ऑस्पेक्ट से क्या होंगे, फाइनेंस के ऑस्पेक्ट से क्या होंगे, क्योंकि वीनस भी बैठा है यहाँ पे, पैसा कहाँ से आएगा, फादर का हो सकता है, पिता का धन हो सकता है, जो आपने शिक्षा ग्रहण करी है या जो आप बिजनेस करो उससे पैसा आ सकता है, उसको डेवलप करना है और आगे बढ़ाना है, तो उसके विद रिस्पेक्ट तो प्लान्स और एक्शंस क्या होंगे। जैसे यहाँ पे वीनस के पीछे राहु है तो पैतृक धन को भी दिखाता है, ठीक है, अब लेकिन आगे का क्या है, आगे में केतु और जुपिटर आ रहा है, आपको बहुत सोच समझ के, मतलब यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, आपके जो भी रिलेशन में हो ये व्यक्ति, मरकरी वीनस और सन, अगर इन तीनों की वृद्धि चाहता है ये व्यक्ति,
ठीक है, मरकरी सन और तो यहाँ पे केतु और जुपिटर को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा कि कोई ईश्वरोपलब्ध व्यक्ति हो जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई कंसल्टेंट मिल जाए, ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाए जो टू बी रिलीजियस और भगवान को उपलब्ध व्यक्ति हो। मेरी बात आप समझ रहे हो, मतलब बहुत हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर उनका आशीर्वाद उनको मिल जाए, वो अगर बोल दें, सपोर्ट कर दें, तो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है, असंभव कार्य कर सकता है, क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पास्ट में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेबर भी बहुत अच्छा है, मतलब मेहनत में भी कमी नहीं है कहीं से भी, ठीक है। और प्लान्स और एक्शंस में केतु जुपिटर आ रहा है, मतलब जुपिटर हो गया व्यक्ति और केतु हो गया ईश्वर। ईश्वर को उपलब्ध अगर कोई व्यक्ति मिल जाए इनको और आशीर्वाद दे दे, काउंसलिंग कर दे, कंसल्टेंसी कर दे, मार्गदर्शन कर दे, तुम्हारा ये नाम होना चाहिए, कंपनी ऐसे होनी चाहिए, ये करना है, वो करना है ना, अगर कोई ऐसा मिल जाए और ऐसा कुछ कर दे, तो इनकी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है, सोच भी नहीं सकती। दूसरी बात मैं कहता हूं, उधर जाना भी नहीं है। तो आपके चीजों से रिलेटेड जिसको अच्छी नॉलेज हो, उससे आप काउंसलिंग ले सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो, उसके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हो, अपने बिजनेस की बारीकियों पर काम कर सकते हो, और जो भी आपको एक्शंस लेने वो स्टेप बाय स्टेप में ले सकते हो। बड़ा कोई प्लान नहीं बनाना, बड़ा कोई एक्शन नहीं लेना, छोटा लीजिए, जब उससे रिजल्ट्स आ जाए उसको और नेक्स्ट लेवल बढ़ा दीजिए, क्योंकि केतु आ रहा वहां पे, और मार्गदर्शन लेते हुए चलिए, खुद पितामह बनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। समझ पा रही हैं अंजू जी? तो इस हिसाब से हम किसी के चार्ट को लेकर के मॉडिफिकेशन कर। अच्छा, प्लस पॉइंट क्या है, करियर के पिन पॉइंट से केतु जुपिटर तो आ रहा है, मतलब किसी की सलाह रही, मार्गदर्शन रहा, चीजें रही, तो करियर तो अच्छा ग्रो कर गया है ना। या जुपिटर व्यक्ति खुद होता है, मतलब मॉडिफिकेशन में एक अच्छा प्लेनेट मिल गया ना, जुपिटर जैसा ग्रह मिल गया, तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन इंडिविजुअली उनको मिलता रहा कि ऐसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो व्यक्ति आगे बढ़ गया पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे अगर आप मरकरी को देखोगे, वीनस को देखोगे, सन को देखोगे, यहाँ मॉडिफिकेशन करने के लिए कोई प्लेनेट नहीं है। मतलब ये जो आपके पास सन मरकरी वीनस है, ये स्वतंत्र होकर के बैठा है। जितना आप अच्छे एक्शंस लोगे, प्लान लोगे, कैसे, छोटे प्लान, छोटे एक्शन और प्रॉपर कंसल्टेंसी और गाइडेंस के साथ में अगर आप लेते रहोगे, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी मॉडिफिकेशन वाला प्लेनेट नहीं है, मतलब अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो, किसी भी लेवल पर जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम जुपिटर को ले लें, जुपिटर आप स्वयं होते हो, ठीक है, जुपिटर आप स्वयं होते हो ना, अब ये हो गया उनका नेक्स्ट हाउस, ये सेकेंड हाउस की तरह रोल करेगा, और ये जो प्रीवियस हाउस है ये 12th हाउस की तरह रोल करेगा, मतलब ये आपकी पास्ट लाइफ को दिखा रहा है जी। किस चीज को लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर के, सेल्फ को, सेल्फ को लेकर, मतलब कैसी रही, तू भी लग्जरियस रही है, जैसा आपने चाहा वो सब आपको प्राप्त हुआ, मरकरी था, वीनस था, सन था, इसमें मैंने कोई गलत बात बोली है? नहीं, बिल्कुल ठीक सर। मतलब आपको जो बैकएंड सपोर्ट है, जो आपको अभी भी जो सपोर्ट इनको मिलेगा, वीनस बहन भी होती है जी, ठीक है, मरकरी आपके छोटे भी होते हैं, बुआ फुफा भी होते हैं, सन आपके फादर होते हैं, मतलब आपका जो सपोर्ट वाला पॉइंट है, पीछे वाला जो पास्ट वाले लोग हैं, पीछे वाले जो आपके लोग हैं, वो मतलब इसको पीछे सपोर्टिव पॉइंट भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ से प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा इनको, प्रॉपर सपोर्ट, बिल्कुल ट्रू, पिता का, बुआ फुफा का, फैमिली, क्योंकि आपके रिलेटिव भी है, नेबर्स भी है ना मरकरी, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स और नेबर्स, फ्रेंड्स, ये सब मरकरी है। वीनस कौन हो गया, आपकी पत्नी हो गई, अगर विवाह हुआ है, नहीं हुआ है तो कोई फीमेल फ्रेंड हो गई, जिसको हम मोस्टली आजकल गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, या अगर विवाह हुआ है तो पत्नी बोल देते हैं। वीनस आपकी बहन होती है, एल्डर सिस्टर भी बोल सकते हैं उसको, तो इन सब का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, इसमें कोई दो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पास्टिंग लाइफ है, पास्ट की लाइफ है, वहां पे बहुत पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे, जी जी, कोई दिक्कत नहीं वहां पे, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसका सलूशन आपको पहले ही मिल जाएगा, बिल्कुल। इसके आगे कोई प्लैनेट नहीं है, तो आप जो हो उसके आगे का बहुत ज्यादा सोचोगे समझोगे नहीं, या जो प्लान करोगे, जो एक्शन लोगे, वो जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे कोई प्लैनेट नहीं है। आप जो सोचेंगे, जो करने का सोचेंगे, अपने को लेके, सेल्फ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने को मोटिवेशन लेवल पर लेकर के, वो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पीछे से सपोर्ट अच्छा आ रहा है,
वो लोग आपको बार बार इंकरेज करेंगे कुछ करो, अच्छा बदलाव करो, मेंटेलिटी अच्छी रखो, माइंड सेट अच्छा करो, बट आगे कोई प्लैनेट नहीं है तो आगे निल है। लेकिन इसके सामने अगर आप देखोगे तो टफ प्लैनेट्स बैठे हैं, तो सैटर्न, मार्स, राहु, मून, मतलब क्या होगा, अगर ये व्यक्ति की हिम्मत कहीं से टूट गया, अगर किसी चीज को लेकर नेगेटिव हो गया, तो फिर नेगेटिव हो गया इसको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल है। सालों बेटर है स्पेशली हेल्थ को लेकर, सेल्फ को लेकर, सेल्फ को लेकर, जुपिटर इज योर हेल्थ। अगर एक बार व्यक्ति पॉजिटिव हो गया तो वो कुछ भी कर लेगा, ओवर कॉन्फिडेंट में भी चला जाएगा, क्योंकि मार्स, सैटर्न, राहु, मून बैठ के इल्यूजन में लेके जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट में लेके जाएगा, मतलब असंभव को संभव में बदल देगा पूरा। मतलब आप कहते नहीं है कि मतलब आपको कोई देख करके मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद में कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं भी कोई नेगेटिविटी आ गई, कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, या मतलब यहाँ पे एक बात बोली जा रही है, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन पीछे बेस्ट लाइफ मॉडिफिकेशन में टफ लाइफ, मतलब क्या है, चाहे राहु हो, चाहे मार्स हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे मून हो, ये मैटरिस्टिक चीजों को लेकर के चलते हैं। अगर ये व्यक्ति अपने दिमाग में मैटरिस्टिक चीजों को रखेगा कि बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ा बिजनेस हो जाए, बड़ी चीजें हो जाए, तो हमेशा खुद को हीन भावना से ग्रसित कर लेगा। अगर ये अपने साथ केतु को लेके चलेगा कि हम सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें, हम अपनी सोच अच्छी कैसे करें, हम कुछ मतलब योगा क्या करें, प्राणायाम करें, जिससे हम फिजिकल और मेंटल फिट रहें, अगर उस पे काम करेगा तो ये व्यक्ति का ये सामने वाले प्लेनेट कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है, अगर प्रकृति कभी इनको डांटेगी, परेशान करेगी, डाउन अर्थ पे लेके जाएगी, परेशान करने की सिचुएशन पे लेके जाएगी, डू एंड डाई की सिचुएशन में लेके जाएगी, तो क्यों लेके जाएगी, क्योंकि आपको रिलीजियस होके रहना है। आप जब तक कुछ नहीं चाहोगे तो आपको प्रकृति सब कुछ दे देगी, जब आप कुछ चाहोगे ना तो ये सैटर्न भी एक्टिव हो जाएगा, मार्स भी एक्टिव हो जाएगा, राहु भी एक्टिव हो जाएगा, मून भी एक्टिव हो जाएगा, और आपकी वॉट लग देगा हर टाइम, नेगेटिव आपके ऊपर नेगेटिवली मॉडिफाई कर देंगे, नेगेटिवली मॉडिफाइड कर देंगे, और या तो ओवर कॉन्फिडेंशियल आपको बना देंगे, इल्यूजन में लेके चले, मतलब ये व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता है, और जब वो बड़ी बड़ी बातें एग्जीक्यूट नहीं होंगी तो डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है, मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर सरेंडर कर देंगे ये सिचुएशन में भी जा सकता है। बात समझ रहे हैं सर, इनका वही वाला फेज चल रहा है इस टाइम पे कि जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, तो शायद सामने से राहु और ये नेगेटिव एक्ट कर रहे हैं, बट नाउ ही इज बिकमिंग स्पिरिचुअल, नाउ ही इज गोइंग इनटू मंत्र चैंटिंग, अगर ये स्पिरिचुअल हो रहा है तो अब आप खुद बताओ कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। हाँ जी, अब केतु पॉजिटिव अगर कर रहा है एक्शन, और जुपिटर और रिलीजियस होते 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 हो सकता है कोई अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा कोई मेंटर मिल जाए, कोई कभी कभी शास्त्र आपके हाथ लग जाता है, गीता पढ़ने लग गए, तो भी आपका पर डे आपका ब्रेन वॉश हो रहा है कि भाई पॉजिटिव चीजें क्या हैं, है ना, आपकी लाइफ में जरूरी चीजें क्या हैं, चाहिए क्या आपको, तो कभी कभी जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति मिले, कोई ग्रंथ हाथ लग जाता है, कोई शास्त्र हाथ लग जाता है, कोई एक क्वाइट आपके दिमाग में बैठ जाती है। हम लोग बहुत सारी मतलब क्या करते हैं, कभी कभी स्टेटस में क्वाइट्स लगाते हैं ना, या कोई इंस्पिरेशनल क्वाइट लगा देते हैं, भाई ये ऐसा है, पता नहीं कौन सी चीज आपके माइंड में बैठ जाए, वो कोई नहीं जान सकता, कोई व्यक्ति, कोई क्वाइट, कोई बुक, कोई चीज आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि वो आपको पूरी तरह से बदल दे, है ना, तो वो चीज भी यहाँ पे घटित हो सकती। मतलब क्या है, इनको मोर देन स्पिरिचुअल होना है, मोर देन मेडिटेशन करना है, वो योगा रोज करना, मतलब इस व्यक्ति को लाइफ में कोई चीज की कमी नहीं, कमी अगर कुछ है खुद को संभालने की। अगर ये खुद को स्ट्रेंथी बना देंगे, अपना फिजिकल फिटनेस अच्छा कर लेंगे, अपने को अच्छा कर लेंगे, अपने को किसी भी चीज चुनौतियों से लड़ने के लिए अगर तैयार कर देंगे, तो पूरी पृथ्वी पर इनको हराने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर ये व्यक्ति खुद से ही वीक हो जाएगा, अपने से ही वीक हो जाएगा, अपनी मेंटेलिटी को लेकर के ही वीक हो जाएगा, तो इस व्यक्ति के पास कुछ भी रहेगा सब नष्ट कर देगा, सब खत्म कर देगा, सब नष्ट कर देगा। ऐसे जब आप किसी का चार्ट देखते हो तो आपको करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्शनल चार्ट बनाना, किसी भी व्यक्ति डायरेक्शनल चार्ट बनाने का क्या, कुछ नहीं करना, 159 को एक स्ट्रिंग में सारे प्लैनेट्स को रख देने, जो एक नंबर राशि में है, पांच नंबर राशि में, नौ नंबर राशि में, हाउस वाइज नहीं, राशि वाइज, जो जिस राशि में प्लैनेट है उनको एक पूरा लाइन बना देना है, उसके बाद 2, 6, 10 को एक जगह रख देना है, ठीक है,
थ्री, जैसे मैंने 3711 में रखा है वैसे फिर जो 3711 में प्लैनेट्स है उनको वहां रख देना है, फिर आपको 4812 में प्लैनेट्स रख देना है, वहां पे जो प्लैनेट है वैसे आपको लिख देना है, जिस प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट टू आप बात करना चाहते हो उसको MFP बना लेना, मेन फोकसिंग प्लैनेट, है ना, जो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन है मतलब उसका उस चीज को लेकर के वो तौर तरीका वैसा एटमोसफियर रहेगा। जैसे सैटर्न को लेके मैंने बोला कि भाई राहु मून मतलब बाहर जाना, आईटी वाईटी या मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि, विदेश की कंपनी इत्यादि, और मार्स हो गया टेक्नोलॉजी, है ना, करियर इस पिन पॉइंट पे रोटेट कर गया पूरी तरह से। तो ये करियर के विद रिस्पेक्ट टू जो प्लेनेट साथ में बैठे थे वैसा आपका करियर का फ्लो हो गया। उसके पीछे के जो प्लेनेट आए ट्वेल्थ में पड़ा हुआ प्लेनेट, वो आपकी पास्ट लाइफ को दिखाया है, मतलब जो आप डिजर्विंग फेस में बैठे हो, जो चीज आप डिजर्व कर रहे हो उसके पीछे आपने क्या मेहनत करी, क्या टफनेस रही, है ना, वो शो करता है। आगे वाला जो उसके प्लेनेट होगा मतलब जो इस रो में आएगा, उसके आगे वाले रो में जो प्लेनेट आएगा वो उसके प्लान और एक्शंस को बताएगा, मतलब इस चीज इन चीजों को पाने के लिए आपके प्लान और एक्शंस क्या होंगे, ये आपका उसके नेक्स्ट हाउस वाला प्लेनेट बताएगा। सेवंथ हाउस में बैठा हुआ किसी भी प्लेनेट से, सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट बैठेंगे वो इसको मॉडिफाइड कर देंगे पूरी तरह से। बात समझ आ गई आपको? मॉडिफाइड करने का मतलब रिजल्ट्स मेनली इन्हीं के हाथ में, आप जो एक्शंस लेते हो प्लान बनाते हो उनसे चीजें बड़ी होती दिखती हैं, हो ना हो वो इन प्लैनेट्स के हाथ में। तो जैसा प्लान एंड एक्शन होगा वैसा मॉडिफिकेशन होगा, ये भी कह सकते, ठीक है। तो आपको प्लान कैसे लेने, एक्शंस कैसे लेते, मैंने ये क्या बताया, मरकरी को लेके, वीनस को लेके छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे एक्शंस लीजिए, फिर आप देखिए कैसे डेवलपमेंट होता, क्योंकि केतु है, और किसी का कंसल्टेंसी लेके करिए, किसी से मार्गदर्शन लेते हुए करिए, है ना, या अपने जीवन में ईश्वर उपलब्ध हो जाइए या उसके समान कोई व्यक्ति अपने पास रखिए, जब भी आपको कोई टेंशन हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वहां पे सरेंडर कर दो, खुद पहुंच जाओ जाके वहां पे। तो ये चीज करने से फिर आपका ये जो चीजें हैं इनको बल मिल जाएगा अपने आप। कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? एक आध एग्जाम्पल और ले जनता जी। तो ऑलमोस्ट जो चीजें मैंने बताई हैं इस चार्ट में वो 50-60% करेक्ट गई, ठीक है अंजू जी? सर उससे ज्यादा ही अच्छी करेक्ट गई, और सर सबसे अच्छी बात ये है मैंने इसको पराशरी से भी देखा है इस चार्ट को, तो 85-90% चीजें केपी से भी देखा, तो सब कुछ वही मैच कर रहा है, वही आ रहा है। yes. स्टेप्स में जाना है, कंसल्टेंसी लेनी है, और जितना आप अपने आप को डिटैच करते जाओगे मटेरियल से उतनी चीजें आपको मिलती जाएंगी इजीली। तो मैंने भी यही बोला, मैं कहा वो श्रद्धा सबूरी में ना थोड़ा सबूरी रखो, बस पेशेंस डेवलप करो। Definitely. तो सर सरप्राइजिंगली सर थैंक यू सो मच। एंड सर कोई भी कुंडली देखते समय आपको दो चार्ट्स पर ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको लगन कुंडली जैसे आप देखते हो वो देखो, इस पे जब आपकी कमांडिंग हो जाएगी ना, जिसको हम डायरेक्शनल चार्ट बोलते हैं इस, और इनको अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया कि भाई एक में कौन है, पांच में कौन है, नौ में कौन है, बस हम लिखते चले, आप इसको डिग्रिकली लिखो ताकि उस प्लेनेट का कॉम्बिनेशन भी आपको सामने मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, है ना, आगे कौन सा प्लेनेट सबसे, अब जैसे यहाँ पे तीन प्लेनेट टच हो रहे हैं इसको आगे में, सन मरकरी वीनस आगे मिल रहे हैं, तो पहले सन मिलेगा कि पहले वीनस मिलेगा कि पहले मरकरी मिलेगा, आपके एक्शन और प्लान्स किस प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले जाएंगे, जो डिग्रिकली जो कम होगा इधर से डिग्री पीछे से, डिग्रिकली जो मैक्सिमम होगा उन प्लेनेट का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा उस प्लेनेट पे पड़ेगा। जी, और आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लोगे एकदम फाइन ट्यून प्रेडिक्शंस पर आप पहुंच जाओगे। मतलब क्या है, लगन कुंडली को आपको केवल और केवल एक रेफरल कुंडली की तरह लेना है, काम आपको सारा का सारा डायरेक्शनल चार्ट पर करना है। जब इसको करके करोगे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा कि भाई इसकी लाइफ जो आज ये कहां स्टैंड है, तो उसका पास्ट क्या रहा है, फ्यूचर क्या होगा, और इसके कर्म के अनुसार इसको फल क्या मिल रहा है। और फिर जब आप उसको प्रेडिक्शन करोगे, आप उसको बोलोगे कि भाई आपके साथ ऐसा 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 चल रहा है, तो फिर वो सामने से सरप्राइजली ही बोलेगा हाँ जो आप कह रहे हो वो सब सही है। कारण क्या है, हम हमेशा तीसरे भाव को खराब मानते हैं, सिक्स हाउस को खराब मानते हैं, एर्थ को खराब बोलते हैं, लेकिन एर्थ के जो ट्राइन में हाउसेस आ रहे हैं वो भी आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब आठवें भाव के साथ चौथा भाव, चौथे भाव के साथ बारहवां भाव, मतलब पूरा का पूरा ट्राइन एक्टिव होता है इसमें। मतलब मैंने क्या बोला, ट्राइन अगर एक फैमिली है, अगर कोई व्यक्ति को कोई एक प्लेनेट डिस्टर्ब कर रहा है तो इसका मतलब उस प्लेनेट से रिलेटेड सभी लोग उसको डिस्टर्ब करेंगे।
आपने अगर मूवी देखा हो, अगर आपको मूवी देखने का शौक हो, तो आप देखो ना, एक गुंडा अगर आपके पीछे पड़ गया तो उससे रिलेटेड जितने गुंडे होते हैं वो सब आपके पीछे पड़ जाते हैं, उसके चाचा फूफा मामा मामी सब आपके पीछे पड़ते हैं, जो पालतू तो उसके होते हैं वो भी आपके पीछे पड़ते हैं, बात समझ रहे हो आप? तो हीरो क्या करता है, सबको मारता चला जाता है, सबको मारता है ना। तो भगवान श्री राम ने दुश्मनी केवल रावण से करी थी, लेकिन रावण से पहले उसकी नानी ताड़का को मारा, फिर मामा मारीच को मारा, एक बार मारा तो बच गया, दोबारा फिर उसको मारा, तिबारा फिर जब अशोक मतलब वहां पे जब सीता का हरण नहीं हुआ था उसके पहले खरदूषण को मारा है ना, फिर पाताल में उसका भाई गया था पहले उसको मारा है ना, फिर उनके पुत्रों को समाप्त किया, भाइयों को समाप्त किया जो सामने विजिबल थे, जो अनविजिबल थे उनको जाके मारा अंदर है ना। तो क्या हुआ, एंड में रावण मरा। तो मतलब भगवान श्री राम ने अगर रावण से दुश्मनी करी या रावण ने भगवान श्री राम से दुश्मनी करी, तो उसके परिणाम में केवल रावण नहीं है, उसके चाचा फूफा मामा मामी ताऊ ताई सारे ही दुश्मन बन गए भगवान श्री राम के। और आपने देखा कि भाई सबको भगवान श्री राम ने परास्त किया, तब वो माता सीता को मुक्त करा पाए और रावण को सबसे लास्ट में मारा। तो जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन दिखता है BNN एस्ट्रोलॉजी में, उस दुश्मन के साथ साथ जो उसके फैमिली पैटर्नल दुश्मन होते हैं ना, जो उसकी पैटर्नल फैमिली होती है, वो भी आपकी दुश्मन ही होती है एक तरह से। और अगर उसमें कोई समझाने वाला विभीषण की तरह कोई व्यक्ति बैठा है, तो जरूरी नहीं है कि शत्रुता हो। अब जैसे मान लो इसमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन जब आप कर रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे सारे पापी बैठ गए, अब यहाँ पे जरा दो तीन अच्छे बैठ जाते, मान लो जुपिटर बैठ जाता, वीनस बैठ जाता, मरकरी बैठ जाता, और डायरेक्ट यहाँ पे केवल राहु होता, तो राहु यहाँ बैठ के भी कुछ ना करता। कारण क्या है, तीन अच्छे, रावण ने विभीषण की क्यों नहीं सुनी, क्योंकि बहकाने वाले लोग ज्यादा थे और समझाने वाले लोग कम थे। तीन लोग ही थे जो रावण को हमेशा समझा रहे थे, कौन, एक मंदोदरी, एक विभीषण है ना, एक मंदोदरी थी, एक विभीषण थे, और एक उनके नाना थे जो उनको बार बार समझा रहे थे, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर कोशिश करी, मेहनत करी, हिम्मत करी, तो सबसे ज्यादा किसने समझाया, थोड़ा बहुत कुंभकर्ण ने समझाया कि भाई ऐसा मत करो। बाद में जब रावण उन पे हावी हो गया, तो मतलब दिक्कत क्या हो रही थी, रावण सब पे हावी था इसलिए वो किसी की सुन नहीं रहा था। लेकिन जब रावण पे कोई हावी हो जाता तो रावण को फिर झुकना पड़ता। तो पीछे कारण क्या है, इस प्लेनेट के राहु अगर अकेला बैठा होता और साथ साथ दो तीन प्लेनेट और पॉजिटिव बैठ जाते, तो ये राहु परिणामतया अच्छी मॉडिफिकेशन करता, ये क्या करता, अच्छी मॉडिफिकेशन करता, मतलब पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होता, मतलब हमेशा मॉडिफिकेशन खराब नहीं होगा। पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठेंगे जितने ज्यादा, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे, और नेगेटिव प्लैनेट बैठेंगे तो वो भी नेगेटिव नहीं करेंगे, वो अपने अनुसार रिजल्ट देंगे, पहले प्रॉब्लम देंगे बाद में रिजल्ट देंगे। तो खराब कोई नहीं है, अच्छे भी खराब नहीं है। अच्छे मिल, ज्यादा सपोर्ट मिल जाता तो आदमी मतलब लेजी हो जाता है, यार हर चीज हो तो रही है। आपको एक अच्छा लेबर मिल जाए तो आप ऑफिस को जाओ भी ना, आपको फैक्ट्री जाओ भी ना, अरे यार कर तो लेता, फोन करोगे अपना घर में पुलाव पकवान बना के खा रहो। और अगर टफनेस थोड़ी रहेगी तो आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दो चार को और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग कब जाए इसका भी कोई पता नहीं है। तो ये जो पापी ग्रह हैं वो कुछ ऐसे ही हैं कि आपके लिए समस्याएं पैदा करते रहते हैं हमेशा। अगर आपने अपने करियर में, अपनी वेल्थ में और अपने ऊपर उन चीजों को पॉजिटिव ले लिया कि अब मेरे साथ विपत्ति कुछ भी हो जाए, संभावना कुछ भी हो जाए, नेगेटिव कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ मिले ना मिले है ना, लेकिन मैं फिर भी जो चीज लेके खड़ा हुआ उसको मैं करूंगा, बस ऐसा आते ही पापी ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाता। पापी ग्रह क्या कर सकते हैं, आपके सामने विपत्तियां दे सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, चुनौतियां दे सकते हैं, रास्ते में रोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। और शुभ ग्रह क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो शबरी की तरह करेंगे, जहां कांटे हैं उसको बाहर देंगे, वहां फूल रख देंगे, बेर भी आपको चख के देंगे, अगर आपको कुछ खिला पिला भी रहे ना तो पहले खुद टेस्ट कर लेंगे फिर आपको देंगे। मतलब वो क्या करते हैं, पूरी तरह से जो फ्रूटनेस होती है किसी भी चीज का, जो रिजल्ट को, मतलब माँ क्या करती है, बेटा बैठो, रोटी खाना है रोटी बना दे रहे हैं, कड़ी चावल खाना कड़ी चावल बना दे रहे हैं, क्या खाना है वो सब बना देगी जो आप कहोगे। पत्नी क्या करेगी, अब ये बना दिया भाई साहब ये खा लो चुपचाप नहीं खाए तो भी तपाशा, तुम्हें तो रोज बाहर खाना है, और खा लिए तो बिना मन के खा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पापी ग्रह उस पत्नी की तरह है कि जिसने बना दिया बस तुम्हें खाना है, अब आपकी कोई चॉइस नहीं है,
या तो मेरी चीज को स्वीकार करो, और अगर मेरा विरोध करोगे तो हम तुम्हारा उससे ज्यादा विरोध करेंगे। बात मेरी समझ आ रही है आपको? आप कह दो हम अपनी बड़ी बहन के यहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भैया, वो थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, तुम तो ढंग का खिलाती नहीं हो। अच्छा, तभी तुमको बार बार वो चुड़ैल याद आती है। डायलॉग सुनने को मिलेगी। तो पापी ग्रह कुछ ऐसे है, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, और अगर आप कुछ करोगे तो उसमें रोड़े उत्पन्न करेंगे, परेशानियां उत्पन्न करेंगे, प्रॉब्लम उत्पन्न करेंगे। अगर आपने उसको डेयरिंगली फेस कर लिया तो फिर वो आपको बहुत कुछ देते भी हैं आपकी लाइफ में। इसलिए हम क्या कहते हैं, विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, विपत्तियों के सामने चट्टान बन के खड़े हो जाए। क्लियर हो रहा है कुछ अंजू जी? मैं इसलिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, अभी मैंने एक चार्ट पे ही मेहनत इसलिए ज्यादा किया कि आपको थोड़ा सा मैं समझा पाऊँ। ठीक है सर, एक क्वेश्चन की इसमें अगर रेट्रो प्लैनेट्स हो, जैसे सैटर्न इनका रेट्रो और जुपिटर भी रेट्रो है, तो हाँ, उससे कुछ फर्क पड़ता है? सैटर्न रेट्रो और जुपिटर रेट्रो में थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी, थोड़ी बहुत। डायरेक्शनल चार्ट में भी सर, डायरेक्शनल मतलब चार्ट हो गया, अब अगर सैटर्न को लेके चलोगे तो मॉडिफ पास्ट आ गया, सन मरकरी वीनस ये उसका पास्ट आ गया। ओके, सैटर्न के विद रिस्पेक्ट, अगर सैटर्न रेट्रो है तो उसका पास्ट कौन हो गया? सन मरकरी वीनस। ओके, ठीक है। और सर एक्शन उसका एक्शन और क्या हो गया? वो निल हो गया पूरी तरह से, 4, 8, 12। उसी स्ट्रिंग को, उसी डायरेक्शन को, क्योंकि उसका फेस कहाँ हो गया? उस पोजीशन से घूम गया पीछे की तरफ। तो आप ऐसे भी ले सकते हो। तो सर फिर तो प्रेडिक्शन बिल्कुल ही उल्टी हो जाएंगी। हाँ, यस, केवल सैटर्न के विद रिस्पेक्ट उल्टी होगी, मार्स राहु मून के विद रिस्पेक्ट सेम ही रहेगी। और सेवंथ प्लैनेट तो सेवंथ ही रहेगा सर, मॉडिफिकेशन ही रहेगा, जो सेवंथ में है वो सेवंथ में रहेगा, आगे पीछे वाले प्लैनेट थोड़े बहुत डिफरेंस हो जाएगा उसमें, 2-12 चेंज हो जाएंगे बस, 2-12 थोड़े से चेंज होंगे, बहुत स्लाइटली, बहुत स्लाइटली चेंज होंगे, मतलब कुछ ना कुछ रोल उसका भी रहेगा, है ना, जो ऐसे वहां पे है वो भी रहेगा। मतलब मान लो कोई चीज कहीं ठंडी है और वहां ठंडी, मतलब आपने फ्रिज एसी ऑन किया और एसी जब आप बंद करते हो तो भी तो कुछ देर ठंड रहती है ना, एकदम तो नहीं खत्म हो जाती तुरंत बंद करते ही, फिर भी कूल होता रहेगा ना, बाहर का एनवायरनमेंट अगर आपको सपोर्ट कर दिया तो अंदर ठंडक रहेगी ना। तो रेट्रो प्लैनेट के साथ क्या होता है कि स्ट्रिंग में रिजल्ट ऑलमोस्ट दोनों ही चीजों के सेम आ रहे होते हैं, कंबाइंड हो जाती है चीजें, बात समझ रहे हैं, चीजें कंबाइंड हो जाती है, मतलब जो आप पीछे ले रहे हो वो आगे भी जा सकता, आगे वाला पीछे भी जा सकता। जुपिटर भी रेट्रो है ना जी, तो अब प्लान और एक्शंस क्या हो जाएंगे? पीछे वाले प्लैनेट्स की तरफ हो जाएंगे, वीनस मरकरी और सन की तरफ, है ना। और पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा रिप्रेजेंटेड हो, समझ पा रहे हैं अंजू जी? मतलब वही डायरेक्शन आपकी, अभी जो डायरेक्शन थी उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ गया, स्लाइटली चेंज आया। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया भाई, ये जुपिटर है ना, जुपिटर का पास्ट ये है और इसका एक्शन और प्लान ये है। अब ये भाई साहब हो गए रेट्रो, जब रेट्रो हुए हैं तो फिर उल्टा हो गया ना पूरा, मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया, तो ये एक्शन और प्लान्स में ये चीजें आ गई, ठीक है। और एक्शन और प्लान्स में नहीं, सॉरी सॉरी, अभी पास्ट ये था ना इनका, मरकरी सन ये पास्ट, ठीक है, ये 12 था ना, हाँ जी, ये सेकंड था, अभी सेकंड, हाँ जी, अभी थोड़ा सा स्विंग हो गया, क्या स्विंग हो गया, अब ये सेकंड की तरह बिहेव करेगा और ये 12 की तरह बिहेव करेगा। तो अगर कोई प्लेनेट रेट्रो हो रहा है, आगे पीछे चीजें चेंज हो जाती है, तो ऐसे भी ले सकते हो। और इसका एक रास्ता और है, वो हम आगे बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे, उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। और अभी मैं आपको बोला हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज ही पूरी तरह से रीड करो, जैसे अभी मैंने आपको बताया है आप वैसे ही रीड करो, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही रीड करो जैसे अभी बताया, मतलब रेट्रो को अभी काउंट नहीं करना, मैं नेक्स्ट स्टेप्स में आपको चीजें बता दूंगा कि आपको रेट्रो को कैसे यूज करना है, रेट्रो को कैसे उपयोग में लेना है। जी सर, ठीक है, ठीक है सर। सर इसमें एक अभी मत लो क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गए सभी लोग, तो अभी लो रेट्रो को भी।
थोड़ा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इस पे, फिर हम आगे बात करेंगे रेट्रोग्रेड कैसे लेते हैं। उसके दो तरीके हैं, दोनों में से कोई तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर। वैसे मैं बताने के मूड में नहीं था, लेकिन आपने उसको उधेड़ दिया तो मैंने कहा थोड़ा बता देते, उसमें आंसर थोड़ा बहुत कर देते। ठीक है, ठीक है सर, हम वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो यहां तक क्लियर हो गया? सोमदत्त जी क्या बोल रहे हो आप, हैंड रेस क्यों किया? हाँ सर, ऐसा कोई एग्जांपल ले लीजिए जिसका मतलब सिर्फ एक ही एक्सिस में, लाइक नॉर्थ या साउथ में सारे ग्रह। तो सोम जी आप ही बता दो ना, कोई एग्जांपल है आपके पास? मैं अपना ही देख रही थी इसलिए मुझे आउट हुआ। क्या बोल रही है? जैसे एक साउथ में, साउथ मत बताओ, 159 में बताओ कौन कौन से प्लैनेट। हाँ, 159 में कुछ नहीं है। बताइए 159 में प्लैनेट्स कौन से? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं 2610 में सैटर्न, जुपिटर, केतु, मून, मर्क्यूरी। ठीक है, 3711 में बताइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक मिनट जरा वेट करो, होल्ड करो। तो कहने का मतलब क्या, 3711 में क्या है सोमदत्त जी? कुछ नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है। 4812 में मार्स, वीनस, सन, राहु। मार्स, वीनस, सन, राहु, ठीक है। और अभी हम तो रेट्रो नहीं ले रहे हैं, बट सैटर्न और जुपिटर रेट्रो नहीं है। लेना है, ठीक है, भूल जाओ, रेट्रो होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी बताओ क्या पूछना है इसमें, किस प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट? तो फिर एज आपको जो ठीक लगे, क्योंकि ये सिर्फ पास्ट, किसी के भी पास्ट में भी कुछ नहीं है, फ्यूचर में भी कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्स्टेकल्स में ही है। और अच्छा हो गया ना, ये तो अच्छा हो गया, ठीक हो गया। क्या और क्या, पास्ट में कुछ नहीं है इधर, अगर सैटर्न की बात होगी सारा इन्हीं के हाथ में मसाला मलाई है, इन्हें को खाओ रंगबाजी काटो, इनको थोड़ा सीक्वेंस वाइज ले लेते हो तो आप सैटर्न की प्रॉपर प्रेडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, और उसके सामने okay. देख रहे हो दो दो तीन तीन प्लैनेट बैठे हैं, चार प्लैनेट है मॉडिफिकेशन करने के लिए, है ना? तो सैटर्न को मॉडिफाई करेंगे ये लोग, कौन? मार्स, राहु, वीनस, सन, एक इसका चार्ट है। ये मेरा इसीलिए मैं देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है, क्या करते हो आप सुंदर जी? मैं तो ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर इंजीनियर हूँ। किसका किसका किसमें हूँ? सेमीकंडक्टर इंजीनियर हूँ, मास्टर्स किया है पेरिस से, और फिर अभी R&D में ही काम कर रही हूँ। बट यहाँ मुझे हर एक चीज में इंटरेस्ट है, और अभी थोड़ा बहुत वो तो बहुत कुछ करती हूँ। एक केमिकल में कुछ करते हो? नहीं नहीं नहीं। किस चीज का है ये टेस्टिंग, ऑप्टिकल टेस्टिंग जो है? टेस्टिंग नहीं, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है, सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग। ओके ओके, ये क्या होता है थोड़ा मेरा एक्सप्लेन कर सकते हो? ये जैसे कितनी जो भी चिप्स होता है ना, जितना भी मेमोरी या चिप जो होती है ना, ये मेमोरी या चिप, लेजर, हाँ लेजर वेजर जो भी होता है, जैसा भी होता है, मतलब सेमीकंडक्टर, जैसे फोन के अंदर जो चिप रहते हैं। ओके, हाँ सेमीकंडक्टर, समझ गया है। मतलब वो वहां पे मरकरी भी आ गया, ठीक है, केतु मून भी आ गया है आपका उसमें, ठीक है, क्योंकि रिसर्च वगैरह सब करना पड़ता है, बहुत माइनर पार्ट्स होते हैं, केतु आ गया, ठीक है, और वो एसेंशियल भी होती है चीजें, मून आ गया वहाँ। और मैं, मेरा काम एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन, रिलायबिलिटी आ गया, क्वालिटी कंट्रोल भी आ गया इसमें, ठीक है। जुपिटर, कौन सा जुपिटर? ओके, बट ये जो सामने जो प्लैनेट्स है, हाँ, वो तो ये तो विदेश विदेश में लेके चले जाएंगे, पैसा अच्छा दिलाएंगे, सक्सेस अच्छा। वो तो मैं 2005 से विदेश में हूँ, बट पैसा नहीं, विदेश में ही हो?
2005 से। पैसे वैसे अच्छे मिल रहे हैं आपको? नहीं नहीं क्योंकि यूरोप में तो 60% वो काटते हैं और अच्छा सोशलिज्म है तो नहीं, वैसे पैकेज तो कुछ अच्छा नहीं है। होगा ना, कार्ड इट्स क्या रहा ओके वो छोड़ दो आप, पैकेज तो अच्छा होगा ना। हाँ वो ठीक है, मतलब मुझे पैसे का उतना नहीं। ठीक है चलेगा। कोई बात नहीं, ये मॉडिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो तो टेक्निकल ये जो हाँ बोलिए। ये जो वीनस है ये नेचुरल बेनिफिक है, बाकी तो हम इनको नेचुरल मैलिफिक ही पकड़ेंगे सन को भी। इंजीनियरिंग वगैरह जो है ना, ये मार्स राहु इंजीनियर ही तो है पूरी तरह से, ओके और राहु यहाँ ओके पे यूटिलाइज हो रहा है, बाहर हो टेक्निकल काम कर रहे हो, तो ये मॉडिफाई कर रहे हैं ना आपके प्रोफेशन। आपका कोर क्या है? आपका कोर है केतु, जुपिटर, मून, मरकरी, है ना? जो आपका सेमीकंडक्टर बनाते हो उसमें एक मेमोरी होती है, ठीक है? वो अपने से डील कर रही होती है, ठीक है? ओके सेमीकंडक्टर ओके नाम ही बोल दिया तो केतु आ गया वहां पे, जो छोटी केतु पार्ट ओके में जो चीजें हैं वो केतु है, ठीक है? इशा ओके होती है किसी भी चीज में अनिवार्य हो है वो, है ना? अगर कहीं लगनी है तो लगनी है, नहीं लगेगी तो काम खराब करेगी, है ना? ओके इसेंशियल चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है। जुपिटर आपको टेस्टिंग या कुछ इस तरह में हो ना कि आप थोड़ा सा वो बताते रहते हो कैसे क्या करना है, या चेक किया आपने वो हाँ सही नहीं है तो इसको सही हाँ 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 करो, हाँ तो कैसे सही करो वो भी बताओगे, तो वहां पे जुपिटर भी है। तो हाँ आपका हाँ और करियर तो कस्टमर कहीं के था ही साथ नहीं रहा, कहीं से विदेश वाला सॉरी था ही नहीं रहा। ये प्लेनेट जो इफेक्ट डाल रहे हैं इन्होंने आपको टेक्निक हाँ के चले गए, ये ओके इधर कहीं टेक्निकल कुछ नहीं है, ना मार्स है, ना राहु है, ना कुछ और है प्लेनेट बट का। वो सामने वाले हाँ, ओके तो ये आपका कोर हो गया कि भाई आपको ये आता है। कर कहाँ रहे हो? मार्स और राहु के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना, तो ये मार्स और हाँ टेक्निकल फॉरेन ये सब जो चीजें हैं वो ये मॉडिफिकेशन कर दिया ना इन्होंने, चल तो इन्हीं का रहा है। आपकी जो नॉलेज है वो ओके हाँ वो तो कनेक्ट है। किससे और होगी? मेरा पहले टेलीकम्युनिकेशन में था बैचलर्स, फिर मेरा ऑप्टिकल और सेमीकंडक्टर में चला गया, तो ऑप्टिकल फिर सन का भी आ गया, फिर उसमें उसमें सन भी आ गया था, सन ऑल दैट ओके कहने का मतलब क्या है? ये जो प्लैनेट्स हैं ये मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो मेरी बात समझो, ये खराब नहीं है, खराब हर केस में नहीं है, क्योंकि राहु का एक अपना काम है, मार्स का एक अपना काम है। अगर वो बाहर आपके नहीं भी करियर में लागू नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आधा चालू हो गई। अब देखो यहाँ पे वीनस है, मार्स ओके है, राहु है, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? राहु मतलब विदेश से है, मार्स मतलब हाँ टेक्निकल चीजें करके है, कुछ मार्केटिंग करके है, टेक्निकल चीजें करके है ना। इस और ये वीनस पता है कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? ये इतनी अजीब सी है, मैं चाहती भी नहीं थी, बट मेरा एक वो अभी पूरा लड़कियों का एक ग्रुप हो गया जो अभी ऑलमोस्ट 1,70,000 का ग्रुप है, तो उसको भी मुझे डील करना पड़ता है अभी, तो वो जो वुमेन ओरिएंटेड चीजें हैं वो भी वीनस से आ गया। ये भी आ गया, हाँ समझ आ और गई? मेरा कम्युनिकेशन का बहुत रहता है काम में भी, मतलब जॉब में भी, कस्टमर से भी, और ये कम्युनिकेशन तो ग्रुप की मरकरी वजह आ से गया कम्युनिकेशन ना, एंड नेटवर्किंग। ओके हाँ मरकरी तो आ गया ना, नेटवर्किंग खुद ही जुपिटर अकेले ही नेटवर्किंग वो ये सब अपने आप ही हो गया, तो मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग होते ही सेटअप अपने आप ओके है, और वो होते ही अपने आप है। देखो यहाँ पे आपने जुपिटर के साथ जो हाँ प्लेनेट बैठे हैं वो उनका एक अपना रोल है, ठीक है? वो हाँ गुण आपके अंदर है, लेकिन ये जो सातवें में बैठा हुआ प्लेनेट है ना, इनके अनुसार आपको चलना है, ये आप समझ लो। आप चलते इनके ओके दम ओके पे नहीं हो, आप चलते सातवें में बैठे हुए प्लेनेट के दम पे हो। तो अगर ये वो आपको फोर्थ एयर डालेंगे जैसा अपना चलाते हैं, मतलब सेवंथ हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट जैसा चलाएगा आपको, वैसा आप चलोगे, आपके अंदर गुण चाहे जो हो। अब जैसे आपको 150 फीमेल्स का ग्रुप मिल गया तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं रही होगी ना, नहीं वो अपने आप हो गया, ऑलमोस्ट वो दो अपने लाख आप हो गया, दो लाख क्योंकि ये की मिल तरफ नहीं जा रहा, रहा है वो। ये मॉडिफाई कर रहा है ना आपको। मतलब एक चीज हाँ आपके क्योंकि मैंने कितनी बार अंदर, बंद सुन लो करना पहले, चाहा सुन बंद लो किया। सुन सुन हाँ लो, सॉरी सॉरी आपकी क्या बोलते हैं क्वालिटी है, आप क्या करते हो, ये कंपनी डिसाइड करती है ना, आप डिसाइड नहीं करते हो। नहीं आप जहां जॉब करते हो वो हाँ आपका बॉस डिसाइड करता है कि आपको करना क्या है ना? तो सेवंथ हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट बिहेव लाइक सा बॉस, वो जैसा चलाएगा, अगर वैसा चल रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करेगा, वो जैसा चलाना चाहता है वैसा आप नहीं चल रहे हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसे समझ लो। और ओके ये जैसा चलाना चाह रहा है वीनस, मार्स, सन, राहु, वैसा वैसा आप चल रहे हो तो आपके करियर में सपोर्ट कर रहा है। अगर वो जैसा आपको चलाना चाहता था, अब मान लो बहुत सारे लोग होते हैं
उन्होंने एजुकेशन करी, सब कुछ करा, अब क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आई कि आप विदेश चले जाओ, अब फॉरेन नहीं गए वो, तो राहु ने तो प्रॉब्लम होगा, कितना खड़े हो गए कि आप विदेश चले जाओ, नहीं गए विदेश, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपको राहु ने अपॉर्चुनिटी, आप नहीं गए, अब यहाँ पे टफ ला देगा, टफनेस ला देगा, राहु तंग करेगा, कभी आप अगेंस्ट चले जाओ या आप अपने ऊपर के लोगों के साथ अगर अगेंस्ट चले जाओ तो फिर वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ना। तो सेवंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट अगर शुभ ग्रह होगा तो शुभ ग्रह अच्छे लोग, भले मानव क्या होते हैं, आप उनका हित भी कर दोगे, बोल भी दोगे, सामने से मना भी कर दोगे तो भी कहेंगे यार ठीक है, छोटा बच्चा नादान है अभी, क्षमा बड़न को चाहिए कोटन क्या उत्पाद, ठीक है। तो वो बड़े लोग होते हैं जो शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो, और अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं वो छोटे लोग हैं, वो क्या कहेंगे यार इसकी हिम्मत कैसे हुई, अब इसको मजा चखाएंगे हम, बात समझा। तो सेवंथ हाउस पॉजिटिव ग्रह है तो आप एक बार नहीं भी करोगे तो भी वो अच्छे बेनिफिट देगा, दूसरे रास्ते निकाल देगा। अगर वहां पे पापी ग्रह बैठा है, अगर आप उसके अनुसार नहीं करोगे तो आप वैसा करो इतना आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देगा, या तो रिजाइन दे देगा आपसे, समझ गए, और या तो आपको उसके लायक बना देगा, मतलब दंड देते हैं मार्स राहु सैटर्न और मून जैसे ग्रह, बात समझ रहे हो आप, मून भी, ओके, मून भी स्लाइटली कंफ्यूजन क्रिएट कर ही देता है, और सन सन स्लाइटली मैलिफिक होता है या सन कुछ नहीं है, सब ठीक है, मतलब वो एवरेज है, ओके एवरेज, ओके, सतुरा डिसिप्लिन और शक्ति लाता है शायद, हाँ थोड़ा वो स्लाइटली। और आपने क्यों बोला कि ज्योतिष का, क्योंकि मेरा बहुत बचपन से ज्योतिष में इंटरेस्ट आ गया था, क्लास 6-7 से मैं इंटरेस्टेड हो गई थी, तो मैं एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है, ये नॉर्मल पर्सनालिटी का चार्ट है ही नहीं। कारण क्या है, जाके मैंने क्लास ज्वाइन किया, जो एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कराने वाले प्लेनेट है वो सारे ही बैठे हैं, जुपिटर भी बैठा है, केतु भी बैठा है, मून भी बैठा है, मरकरी भी बैठा है ना, तो जुपिटर काउंसलिंग कंसल्टेंसी, केतु खुद ही ऑकल्ट है, मून आपकी सिक्स सेंस है ना, ये इंट्यूशन पावर है, मरकरी आपकी कैलकुलेशन है, तो ये जितने भी एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कराने वाले प्लेनेट है वो सब आपके सैटर्न के साथ बैठे, तो इसीलिए मैंने दिया कि भाई आपका ये ज्योतिषी का चार्ट है, नॉर्मल पर्सनालिटी का चार्ट है ही नहीं, तो इसलिए सामने वाले मुझे मॉडिफाई करके वो सब करवा रहे हैं, ज्योतिष ना करवा के, हाँ इसलिए ये प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी करवा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़वा रहे हैं, पैसा खर्चा करवा रहे हैं। मेरा तो खर्चा हो ही जाता है, कुछ नहीं करके कुछ नहीं रहता, समझ रहे हो आप। इस तरह से जो आपका चार्ट होता है ना, जो आपका डायरेक्शनल चार्ट निकल करके आता है, वो इस तरह से बिहेव कर रहा होता है, इस तरह से अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा होता है आपको। अब ये चीज आप यहाँ भी अगर देखोगे वीनस के विद रिस्पेक्ट टू सन, तो पैसा इन चीजों से के विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है, लेकिन इन पर इन्फ्लुएंस किसका है, मॉडिफिकेशन किसका है, सैटर्न का, केतु का, मून का, इन सब चीजों का मॉडिफिकेशन, मतलब जाने का भी रास्ता क्लियर रहेगा, करियर को अपग्रेड करने के लिए, काउंसलिंग कंसल्टेंसी लेने के लिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, मून केतु ये सब पढ़ने के लिए पैसा भी व्यक्ति खर्चा करेगा, तो इनके रिस्पेक्ट टू जा रहा है, भाग रहा है, एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए हमारी, या कुछ नॉलेज मिल जाए, बात समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, और सामने और आगे कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती, मेहनत करेंगे तो कुछ भी डर नील है। अब यहाँ पे प्लेनेट पीछे है, जो प्लेनेट पीछे है वो बारहवें की तरह बिहेव करेंगे, जो प्लेनेट आगे है वो सेकंड की तरह, ओके ओके ओके, उसी स्ट्रिंग में, ओके उसी स्ट्रिंग में, ऐसे आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस होता तो और क्लैरिटी आ जाती, तो आपको कभी भी कोई सीक्वेंस तो आपने सिखा दिया था, कोई भी चार्ट आपको डायरेक्शनल चार्ट देखना है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, आपको सीक्वेंस से ही लिखना, अगर ट्राइन में कोई डिग्रिकली कम ज्यादा में आ रहा है तो आप उसको कम ज्यादा में ही लिखिए, ऐसे अपने आप मत लिखिए, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, अगर आगे पीछे कोई प्लेनेट नहीं मिल रहा है तो वो जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो उसके आगे पीछे वाला प्लेनेट आगे पीछे की तरह थोड़ा बिहेव करने लगता है, ओके थैंक यू सर, समझ में आ गया। चलिए किसी को एक और ऑप्शन देंगे, वो किसी का हाथ खड़ा कराएंगे, एक एग्जांपल मैं इसी चार्ट पे और दूंगा, डायरेक्शनल डायरेक्शनल चार्ट समझ आ रहा है ना आपको, कुछ नहीं करना है, एक ऑपरेशन करना है केवल, जैसे अभी आप कुंडली देखते चले आ रहे हो, जैसे आप अभी कुंडली देखते चले आ रहे हो वैसे ही आपको कुंडली देखना है, बस उस कुंडली को मॉडिफाई कौन कर रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस कौन है, उसको उस चीज को डेवलप करने के लिए एक्शंस और प्लान्स क्या लेने हैं, उनको आप ऐसे ऐसे चेक कर सकते हो, जब आप डिग्रिकली लिखोगे तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई एक्शन और प्लान
किस प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट टू होना चाहिए, या पीछे अंतिम प्लैनेट जो होगा हाई डिग्री का जो प्लैनेट होगा, ट्वेल्थ में बैठा हुआ हाई डिग्री का जो प्लैनेट होगा अंतिम प्लैनेट होगा, वो बताएगा कि भाई पास्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। बात समझ रहे हैं? ये जो चार्ट है ना डायरेक्शनल चार्ट, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बीएनएन एस्ट्रोलॉजी। जब भी आप प्रेडिक्शन करने बैठोगे, कुंडली देखने बैठोगे, ठीक है, आपको अब ना तो चंद्र कुंडली से देखना है, ना तो लगन कुंडली से किसी का चार्ट देखना है, अब आपको डायरेक्शनल कुंडली से किसी की कुंडली देखनी है। तो आपकी जो लगन कुंडली है उसको डिग्रिकली जितनी चीजें हैं उनको राशि वाइज लिख लीजिए, फिर उनको कुंडली को देखना चालू करिए। तो आपके पास क्या हुआ, ट्राइन की स्ट्रिंग भी आपके सामने आ गई, है ना, किसी भी प्लेनेट के ट्राइन की स्ट्रिंग उसके सामने आ गई आपके सामने। अब आप फिर देखना चालू करो, फिर देखो कितना मजा आता है कुंडली देखना। तो अभी टास्क क्या है, अपने घर का देखो, अपनी फैमिली का देखो, सबसे पहले खुद का देखो। डायरेक्शन का रोल क्या है, अरे इतनी देर से रोल ही तो बता रहे हैं सुरेंद्र जी, इतनी देर से रोल ही तो बता रहे हैं, मतलब क्या है, आप किसी की कुंडली देख रहे हो और उसने कहा मेरा प्रोफेशन आप बताओ, आपने उसका प्रोफेशन बता दिया। अब वो आपके पास आके कहता है कि जो करियर आपने बताया मैं कोशिश भी कर रहा हूं बट उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं उसके परिणाम नहीं आ रहे, मैं मेहनत कर रहा हूं उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो क्या देखोगे भाई, पास्ट में क्या रहा, आपके एक्शन और प्लान्स कैसे हो रहे हैं उसको भी चेक करोगे। और सेवंथ में बैठा हुआ प्लैनेट मॉडिफाई कर देगा उस पूरे के पूरे इवेंट को, अगर वहां पे खराब ग्रह बैठा है इसका मतलब उस ग्रह के अनुसार अपने इन पर्टिकुलर चीजों को ढाल लीजिए। यहां से एक चीज आपको और समझ में आई हो, क्या समझ में आई, किसी प्लैनेट पर हर प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है। जो ट्राइन में प्लैनेट बैठेगा वो उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो 3711 में बैठेगा उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो 2610 में बैठेगा उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो 4812 में बैठेगा उसका भी कंट्रीब्यूशन है। और वो कंट्रीब्यूशन किस लेवल का है, किस ऑस्पेक्ट से है, इसको चेक करने के लिए डायरेक्शनल चार्ट पर आना पड़ता है। तो अभी कैट वाले क्या बताते हैं कि भाई ट्राइन इज एवरीथिंग, कॉम्बिनेशन इज एवरीथिंग, बट अभी आपने बीएनएन पढ़ा आपको पता चल गया किसी प्लेनेट का टेंथ भी एवरीथिंग, डायरेक्शनल चार्ट भी एवरीथिंग। अब जो आपकी एक्यूरेसी होगी और कैट वालों की जो एक्यूरेसी होगी उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। कुछ दिमाग में बात जा रही है?